नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं द न्यूज कैरेज। सावनेर कोयला खदान उपक्षेत्र द्वारा वेकोली के स्टेडियम राष्ट्रीय कोयला श्रमिक सभा का त्रिवार्षिक अधिवेशन तथा स्नेह सम्मेलन हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कोयला श्रमिक संघ के समूचे देश भर से केंद्रीय तथा राज्यों के पदाधिकारी तथा प्रतिनिधियों के साथ साथ सभी क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने शामिल होकर सावनेर क्षेत्र द्वारा आयोजित इस आयोजन को सफल बनाया। सर्वप्रथम इस अधिवेशन के अध्यक्ष कोयला श्रमिक सभा के राष्ट्रीय महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू, हिंद मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सीए राजा श्रीधर, हिंद खान मजदूर संघ के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष नाथलाल पांडे, केंद्रीय ठेका श्रम सहाकार बोर्ड सदस्य शिव कुमार यादव, मुकेश गालब, चंपा वर्मा, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संजय बढ़ावकर, महासचिव महेंद्र वर्मा, सिद्धार्थ गौतम आदि के हस्ते दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन की विधिवत शुरुआत के तदुपरांत पहली बार सावनेर उपक्षेत्र पधारे राष्ट्रीय महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू का शाल श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत कर अतिथि देवो भव का परिचय दिया। बिना समय हम लोग गवा चुके हैं। मैं पुनः एक बार कोयला श्रमिक सभा परिवार मिथुनी की ओर से पूरे मंच का पुनः तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार संयम के साथ मंच का स्वागत करें आप लोग। राष्ट्रीय हिंदू मजदूर संघ के केंद्रीय महामंत्री हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो केंद्रीय शासन में जो कामगारों के खिलाफ जो नए नए कानून लाए जा रहे हैं उसके बारे में आपका संघ क्या कहे। देखिए, पिछले कई सालों से लगातार हमारी सरकार के ऊपर का दबाव है कि हमारे को ऐसे श्रम कानून चाहिए जिसके अंदर कोई भी हमारे पैसा कमाने में बाधा ना बने। कई बार देखा गया है कि आज तक के जो श्रम कानून थे जिसको इंटक और हिंद महासभा जो भी है वो अच्छे तरह से संभाल रही थी, तो ये नए कानून लाने की कोई आवश्यकता थी? ये पूंजीपतियों के दबाव में लाए, उनसे पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। वर्कर तो सिर्फ वोट डालता है, तो जो पैसा देता है उसने सरकार पर दबाव बनाया है कि हमारे को अगर आपने हमारी पूंजी को यूज़ करना है, देश का निर्माण करना चाहते हो, तो हम जो कहते हैं आप ऐसे कानून बनाइए। तो अब वो ऐसे कानून बना दिए हैं जिसमें हमारा जो श्रम है, जो हमारा वर्कर है, वो गुलाम हो जाएगा। तो ये इसको देश का मजदूर उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी, हमारे से सलाह होनी चाहिए थी, मालिकों से भी सलाह होनी चाहिए थी। त्रिपक्षीय वार्ता जो पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री ने बुलाई नहीं है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ये उसमें मालिक भी रहते, हम भी रहते, सरकार भी रहती, अगर उसमें ये एजेंडा आता और उसमें बहस के बाद अगर कोई एक राय बनती तो मैं समझता हूँ देश के हित में होता हूँ। कल दिल्ली में बैठक है इसी विषय को लेकर, तो उसका वो अगर समझो वहाँ ऐसे कोई कानून आते तो आप उसका विरोध करेंगे? हम हर कानून का विरोध करेंगे जो हमारे देश के काम जो कामगार है जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है उसके ऊपर अगर हमला होगा तो हिंद मजदूर सभा उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और जो भी वो हमला करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से।